कहानी की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका से, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। वहाँ पे 3 साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए आते हैं। उनके पास ट्रांसमीटर होता है जिससे वो किसी चीज़ का सिग्नल रीड कर रहे हैं। अचानक वो देखते हैं सिग्नल तेज़ हो जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के नीचे से बर्फ़ सरक जाती है और वो सब गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। अब वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, तब वो अपने सामने एक स्पेस शिप को पाते हैं और वो फिर से हैरान हो जाते हैं। बाद में उन्हें ट्रैक करके बचा लिया जाता है। वो सभी लोग रिसर्च सेंटर में काम कर रहे होते हैं और वो दूसरे मुल्क से आए हुए होते हैं। इस रिसर्च सेंटर में दूसरे मुल्क के लोग भी हैं जो दूसरी चीज़ों को भी डिस्कवर कर रहे होते हैं। वो 3 साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर से मिलते हैं और वो स्पेसशिप के बारे में सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि हम कुछ साइंटिस्ट बुलाते हैं और साथ में एक जीव के साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं जो रहस्यमय जीवों पर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को बुलाया जाता है और साथ में कैट नाम की एक लड़की को भी बुलाया जाता है जो कि एक जीवाश्म साइंटिस्ट है। अब सब लोग मिलकर उस स्पेसशिप के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्हें और लोग भी मिलते हैं। सब मिलकर स्पेसशिप के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप बहुत ही बड़ी है और साथ में एडवांस भी। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी मिल सकता है। जब कैट बाहर आकर देखती है तो उसे बर्फ के नीचे क्रिएचर दिखाई देता है जो कि बहुत ही बड़ा था पर वो हिल नहीं रहा था। हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो। रिसर्च सेंटर में आने के बाद कैट सबको बताती है कि बर्फ के नीचे एक क्रिएचर है, हमें बर्फ के साथ ही उसे यहाँ लाना होगा। और तभी वो पता लगा पाएगी कि असल में वो चीज है क्या और कितनी पुरानी है। अगले दिन वो सब मिलकर उस क्रिएचर को रिसर्च सेंटर में लाते हैं। कैट उसे चेक करने लगती है, तब डॉक्टर कहता है कि उसे क्रिएचर का बॉडी पार्ट्स चाहिए ताकि वो भी उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन कैट मना करती है और वो कहती है कि ऐसा करना रिस्की हो सकता है क्योंकि वो क्रिएचर इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है और वो कोई दूसरी दुनिया से आया है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि वो हमारे लिए खतरनाक है या नहीं, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट करने दे। लेकिन डॉक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो कैट को कहता है कि ये रिसर्च सेंटर मेरा है तुम्हारा नहीं। कैट को ये बात बहुत ही बुरी लगती है लेकिन वो चुप रहती है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। अब वो डॉक्टर उस क्रिएचर का टिश्यू सेल्स लेता है और एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ उस क्रिएचर की बर्फ पिघलने लगती है। जब रिसर्च सेंटर का एक आदमी उस क्रिएचर को देखने जाता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी अचानक वो क्रिएचर बर्फ तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी सबको ये बात बताता है और सभी लोग उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। वो रिसर्च सेंटर के अंदर भी ढूंढते हैं और बाहर भी। वो देखते हैं कि उनका डॉग बहुत ही जख्मी है। वो समझ जाते हैं कि ये काम उस क्रिएचर का ही है। अब हम देखते हैं कि कैट का दोस्त वही साइंटिस्ट जो उसके साथ आया हुआ होता है वो क्रिएचर को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। वो अपना टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा देता है और उसे पूरा निगल लेता है। सामने खड़ा हुआ दूसरा साइंटिस्ट बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। वो सबको बुलाता है और सब कहते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो लोग उसे शूट करने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और वो क्रिएचर बुरी तरह से जल जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि हमें क्रिएचर की बॉडी की ऑटोप्सी करनी होगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि असल में वो चीज़ है क्या और कहाँ से आई है। अब कैट ऑटोप्सी शुरू करती है। वो जब क्रिएचर को काट रहे होते हैं तब उसके अंदर कैट का दोस्त होता है पर उसकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि स्किन तो और भी ठीक हो गई है जैसे कि कोई नई स्किन आ रही हो। कैट को क्रिएचर की बॉडी से एक रॉड मिलता है। वो पूछती है कि वो किसी का है तो नहीं। वो सब बताते हैं कि क्रिएचर ने जिस आदमी को निगला था ये रॉड उसके फ्रैक्चर वाले हाथ में था। कैट हैरान होकर सोच में पड़ जाती है कि तो फिर क्रिएचर ने वो उसकी बॉडी से कैसे निकाला। अब कैट वो क्रिएचर के कुछ सेल्स लेके माइक्रोस्कोप में देखती है। उसे पता चलता है कि ये सेल्स तो डेड है लेकिन जिस आदमी को उसने निगला था वो उसके सेल्स यूज कर रहा है, वो उसके सेल्स को अपनी कवरिंग दे रहा है, मतलब उसके जैसा ही बन रहा है। अब कैट बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि क्रिएचर उसके दोस्त की बॉडी को यूज करके उसे जिंदा करके खुद स्ट्रांग बन के वापस आ जाए। अब वो आदमी जिसपे क्रिएचर का खून गिरा था उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। 3 लोगों के साथ उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वो सब हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं। कैट जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ मेटल पीस मिलते हैं, ऐसे मेटल पीस जो दांतों की सर्जरी में यूज होते हैं। वहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ समझ जाती है। वो सोचती है कि अजीब सा क्रिएचर जिसके सेल्स को यूज करना चाहता है उसके बॉडी में लगा हुआ मेटल्स बर्दाश्त नहीं कर पाता, शायद मेटल्स उसकी बॉडी के प्रोसेस को रोक देता होगा। अब जो 4 लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं वो सब पहले वॉशरूम गए थे लेकिन कैट को ये नहीं मालूम कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। कैट समझ जाती है कि उनमें से अगर एक भी इन्फेक्टेड है तो वो बाकी 3 को मार डालेगा, इसीलिए वो जल्दी से हेलीकॉप्टर रोकती है। अब हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी में न्यूट्रेशन होने लगती है और उसकी बॉडी शरीर से कटने लगती है और एक अजीब सा क्रिएचर उसके शरीर से बाहर आता है। वो बीमार साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। कैट नीचे से हेलीकॉप्टर को रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है।
कैट वापस वॉशरूम आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे अब कोई खून नहीं है। इसका मतलब इनमें से भी कोई इन्फेक्टेड है और वो इस बात को छुपाना चाहता है। कैट सबको बताती है कि वो जानती है कि हम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए हम सब ब्लड सैंपल देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन इन्फेक्टेड है, और फिर हम उसको अलग जगह पर रखेंगे और ठीक कर देंगे। वो सब लोग कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना है, लेकिन कैट कहती है कि बाहर जाने से और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और फिर इस चीज़ पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब कैट के पास एक लड़की आती है, वो बताती है कि वो जानती है कि कौन इन्फेक्टेड है। वो किसी लड़की का नाम लेती है। कैट को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और उस पर शक होता है। तभी अचानक उसकी बॉडी से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, यानी कि वो लड़की झूठ बोल रही थी और वही इन्फेक्टेड थी। कैट खुद को बचाने के लिए वहां से भागती है। तभी वहां पर कैट का दोस्त आ जाता है और वो उसे जिंदा जला देता है। कैट बाहर आती है और सबको बताती है कि फिर से ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे। वो जान चुकी है कि वो इन्फेक्टेड लड़की कौन थी और वो कहती है कि कहीं वो इन्फेक्शन उनमें ना आ गया हो। तभी वहां पर दो साइंटिस्ट आते हैं। हमें पहले ऐसा लगता था कि वो हेलीकॉप्टर में मारे गए होंगे, पर वो किसी तरह से बच जाते हैं। उन्हें अलग जगह पर रखा जाता है क्योंकि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो। अब हम देखते हैं कि जिस जगह पर ब्लड सैंपल दिए गए हैं उस जगह पर आग लग जाती है। इसका मतलब ये उसी ने किया होगा जो इन्फेक्टेड होगा, और वो नहीं चाहता कि रिजल्ट सबके सामने आए। लेकिन कैट बहुत ही चालाक होती है। वो कहती है कि ये उसने गलत किया, उसके पास दूसरा भी तरीका है जिसे पता लगाया जा सकता है कि कौन इन्फेक्टेड है। वो टॉर्च लेकर सबके मुँह चेक करने लगती है। वो देखना चाहती है कि उसमें मेटल लगा है या नहीं। इसका मतलब जो भी इन्फेक्टेड नहीं होगा उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं मेटल होगा। कैट सबको चेक करती है। उनमें से चार लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में या दांतों में कहीं भी मेटल नहीं है, यानी इन चारों में से ही कोई ना कोई इन्फेक्टेड है क्योंकि वो क्रिएचर मेटल को एक्सेप्ट नहीं करता। अब कैट कहती है कि वो दोनों आदमी को भी चेक करना पड़ेगा जो हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे। उनमें से एक का नाम सैम था। उन दोनों को जब लेने जाते हैं तो वो दोनों वहां पर नहीं होते, वो वहां से भाग गए होते हैं, यानी उनमें से कोई इन्फेक्टेड था। तभी एक साइंटिस्ट उन दोनों को देख लेता है। अब सैम के साथ जो आदमी था वो साइंटिस्ट को शूट कर देता है। उन सबके बीच लड़ाई होने लगती है, उसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। अब यहाँ एक आदमी बेहोश हो जाता है। ये लोग उसे दूसरी जगह पर ले जाते हैं। उस बेहोश आदमी के हाथ दो आदमी के कंधों पे होते हैं। तभी अचानक उस बेहोश आदमी का हाथ शरीर से अलग हो जाता है और क्रिएचर के हाथ में बदल जाता है, और जो आदमी उसे ले जा रहा होता है उसके चेहरे पर हमला कर देता है और वो भी बेचारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी इनमें से कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड थे और इन लोगों को मालूम भी नहीं। अब हम देखते हैं कि वो बेहोश आदमी का पूरा शरीर क्रिएचर में बदलने लगता है और उनमें से कई टेंटिकल्स निकल आते हैं। अब वो क्रिएचर सैम के साथी को मार डालता है। अब क्रिएचर कैट के साथी की तरफ बढ़ता है, वो उस पर हावी हो जाता है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मिला लेता है। कैट बहुत ही डर जाती है। कैट उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। कैट वापस आकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला देती है। वो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढूंढ लेता है और मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ दो लोग बचे हैं, कैट और सैम। वो दोनों क्रिएचर को ढूंढते हैं और ढूंढते ही उसे फायर गन से जलाने लगते हैं। क्रिएचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैट हार न मानते हुए उसे जलाती ही रहती है और क्रिएचर हिलना बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड था। वो उस जगह जाने लगता है जहां वो स्पेस शिप थी। कैट और सैम उसका पीछा करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी क्रिएचर में बदल जाता है। वो स्पेस शिप को चालू कर देता है, लेकिन कैट के पास एक बम था। वो सोचती है कि वो उस जगह को बम से उड़ा देगी और साथ में उस डॉक्टर को भी, लेकिन वो बम उसके हाथ से गिर जाता है। वो बम को लेने जाती है, लेकिन तभी क्रिएचर पीछे से आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी कैट के हाथ में वो बम आ जाता है। वो उसे एक्टिव करके क्रिएचर के मुंह में डाल देती है और फाइनली क्रिएचर मारा जाता है। साथ में स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैट और सैम बम फेंकते ही वहां से भाग जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी सैम कहता है कि फायर गन को पीछे रख दो क्योंकि अब तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं। तभी कैट को उस पर शक होता है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और वो कहती है कि तुमने जो ये इयररिंग्स पहन रखी है वो पहले दूसरे कान में थी। सैम कहता है कि नहीं, वही कान में है, और वो वहाँ गलत साबित होता है। कैट समझ जाती है कि वह भी पहले से इन्फेक्टेड था। कैट फायर गन से उसे जला देती है। सैम की बॉडी से क्रिएचर की आवाज़ आती है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड था। कैट दूसरी गाड़ी पकड़ के चली जाती है। यहाँ से वही अकेली बच पाती है क्योंकि वो बहुत ही चालाक थी। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता है ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर कोई बचा है या नहीं। तभी एक आदमी अंदर से निकलता है। हमें पहले लगा था कि ये मर गया होगा, लेकिन वो बच जाता है और छुपा रहता है ताकि वो क्रिएचर से बच पाए। वो अपनी गन लेकर पायलट को अपना मुंह खोलने को कहता है। वो चेक करता है कि कहीं वो तो इन्फेक्टेड नहीं। तभी वो डॉग जो जख्मी हो चुका था वो भागने लगता है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड था। वो डॉग को शूट कर दिया जाता है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।